भंगे है तो ये काम करते हैं, मारेंगे पुलिस वाले तो लाठी लाठी बजाएंगे लोग। पुलिस वाले तो यहाँ मतलब सफाई कर्मचारी पे हाथ उठाएंगे, ये मारेंगे, ये इसके पूरा पूरी टांग बेकार कर, खुली चोट दिख रही है और गुम चोट दिखना रही, देखना ये लाठी मारी है। एक सफाई कर्मचारी जिला अस्पताल में पहुंचे हैं इलाज कराने के लिए, आरोप है कि पुलिसकर्मी ने उनके साथ मारपीट कर दी। ये यहाँ मौजूद हैं, क्या है पूरा मामला और कहाँ के रहने वाले हैं आप? धमाल अड्डा नया गाँव जी, बुलंदशहर में ही लगता है ना जी। अब बताइए क्या हुआ? मेरे साथ ठेला खड़ा था, मतलब हम सफाई कर रहे थे। सफाई कर रहे थे आप जी? हमने ठेला खड़ा कर दिया जी, कूड़ा भरने लगे जी, तो आन के इन्होंने हमारे साथ, किसने नाम बताए इनका? पुलिस अच्छा, इन्होंने देखो भाई आपके यहाँ पर गुंडागिरी चल रही है, तुम रोड पे खड़े कर रखा है ठेला, जब बताइए सर जब यहाँ पर ढेरी है तो उसको के दूर से भरेंगे, ठेला तो धोरे ही खड़े करेंगे। आपने क्या कहा? मैंने इन्होंने कहा, मैंने कहा आप जाइए कोई बात नहीं, ठीक जी। तो इन्होंने फिर हमसे गलत शराब बोला, मैंने कहा आप भंगी हो तो मतलब इस चांद पर चढ़ोगे, ये करोगे वो करोगे, तो इन्होंने जब मेरे साथ ज़्यादा ही हाथपाई करी तब मैंने इनके संग हाथपाई, मारपीट दोनों पक्षों जी। तो अब यहाँ पर दोनों पक्षों ने FIR दर्ज कर दी है जी, पुलिस में दोनों ने तहरीर दी है ना जी। चलिए अस्पताल में दोनों ही पक्ष पहुँचे हैं, एक पक्ष की हमने बात सुनी, दूसरी पक्ष से भी हम एक बार बात कर लेते हैं। जिनके ऊपर मारपीट का जो आरोप लगा है ये है वो जिनके साथ मारा है, क्या हुआ था आप भी बताएं, आपकी सर कैसे चोट लगी? चोट ऐसे लगी सर, मेरा फ्रेंड है, ये मेरा फ्रेंड है, तू भी आ जा, कहीं को ना आ जा, तू मेरा फ्रेंड है, चलो मैं ही हूँ, तो पुलिस में है, हाँ जो पुलिस में है, तो जैसे इन्होंने ट्रिटरी बीच रोड पर खड़ी कर रखी थी, हम बोल रहे साइड में कर लो, ठीक है, उधर भी गाड़ी थी हमारी, मोटरसाइकिल निकट नहीं रही थी, तो जब मोटरसाइकिल ने ये बोला कि इसे ट्रिटरी साइड में कर लो, तो इनमें 8-7 जने हमें तो पता नहीं है, ठीक है, तो इसने कार्ड भी दिखाया अपना कि मैं पुलिस में हूँ, अलग कर लो, ठीक है। एक ये जो बीच में से आके इसने ट्रिटरी में बीच में से घूसा मार दिया इसके, मैं कह रहा यार तुम पुलिस वाले घूसा मार रहे हो, तुम तो किसे छोड़ो ही ना, ये बात हुई थी। फिर उसके बाद जब जो गाड़ी खड़ी थी उसको हटाने को लेकर झगड़ा था, हाँ, तो इसने जब इसके मार दिया तो ये भी मारेगा, तो मार दिया, 3-4 चिपट गए, ठीक है। मैं बीच बिचाव करने चला, इसने जो सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने डंडा उठाया और मेरे सिर में मार दिया। ये झगड़े की वजह बनी, एक दूसरे को जानते हैं आप लोग या नहीं जानते? हम तो जानते ही नहीं है बिल्कुल भी। देखिए पहली बार मुलाकात हुई, अक्सर हम लोग देखते रहते हैं कि गाड़ी को हटाने को लेकर झगड़ा होता है, और इस तरह से अब जो दूसरा पक्ष है वो बाहर है। क्या हुआ माँ जी, क्या हुआ, कैसे शोर कर रहे हो? क्या हुआ, क्या वो बताए? अब भी मारने को चढ़ कर गाली दे रहा है। वो तो अंदर है सर। नहीं वो कौन है, कहाँ है भाई, दिखा दो। इसके बनाओ ना, हमारे भैया में खड़े, हाँ चलिए, क्या हुआ? देखो ये मारा है इसके, देखिए मारा ना भैया, ये देखिए निशान, ये जो मारपीट के निशान है वो साफ दिखाई दे रहे हैं, और इधर गहमा गहमी का माहौल हो गया दोनों पार्टी, क्योंकि आमने सामने हैं, और यहाँ कभी भी, क्योंकि दोनों पार्टियाँ जो हैं वो यहाँ मौके पर मौजूद हैं। हाँ बोलती रहिए, क्या कर रहे हैं? हम भंगे हैं तो ये काम करते हैं, मारेंगे पुलिस वाले हैं, ऐसे क्यों मारेंगे, तुम ना लाठी लाठी बजाएंगे लोग, सफाई कर्मचारी पे हाथ उठाया जा रहा है, पुलिस वाले तो यहाँ के मतलब सफाई कर्मचारी पे हाथ उठाएंगे, ये मारेंगे, ये एक बात बताओ, इंसाफ की बात हो गए, हर एक आदमी पर हाथ उठा रही है, इसके पूरा पूरी टांग बेकार कर, खुली चोट दिख रही है और गुम चोट दिखना रही, देखना देखना ये लाठी मारी है, लाठी बजाई है इसमें गिरा के, ये मतलब पुलिस वाला था यहाँ मतलब लाठी मारेगा, तो आपने अपनी मेडिकल तो आपने करा ली, मेडिकल करा दी है, और ऊपर से यहाँ सरकारी अस्पताल में भी गाली उपचार कर रहे हैं। दोनों पक्ष यहाँ मौजूद हैं, दोनों ही पार्टी के लोग अभी आमने सामने हो गए, हालांकि फिलहाल दोनों अलग अलग हो चुके हैं। आप लोग थाने जाइए, पुलिस जाँच करेगी और जाँच के बाद में कार्रवाई जरूर होगी। आप लोगों का मेडिकल तो हो चुका है ना जी? अभी पुलिस की जांच का विषय है कि किसकी गलती है और किस पर कार्रवाई होगी।